हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है, ईद नज़दीक है, ईद आने वाली है, और हम गए थे कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, कोई पसंद करने के लिए गए थे, कोई खूबसूरत सा अच्छा सा मिल जाए मुफ्ती साहब। लेकिन भाई वहाँ मसला ऐसा हुआ कि पुलिस वालों ने पूरी पीठ खाली करा दी। वो जहाँ जानवर के कुर्बानी के जानवर थे, वो पूरा मैदान खाली करा दिया। पता नहीं वो क्या मसला था, बोले कि परमिशन नहीं ली इन लोगों ने, जहाँ पर पीठ लगी थी पीठ की परमिशन नहीं ली, इस वजह से खाली करा दिया। तो हम लोग भी वहाँ से वापस ही आ रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, वो पूरा खाली करा दिया वहाँ इन लोगों ने। तो गाइस कल आएंगे, कल दिखाएंगे आपको किस तरह का हमारे यहाँ बाजार लगता है, कुर्बानी के जानवर किस किस तरह से यहाँ पे मिलते हैं, किस रेट के मिलते हैं आपको दिखाएंगे। हम बड़े से बड़ा जानवर यहाँ पे आपको दिखाएंगे कल। माशाल्लाह बहुत बड़ी पीठ लगती है और बहुत बड़े बड़े जानवर अच्छे खूबसूरत मिलते हैं, और इंशाल्लाह आपको कल दिखाएंगे। बहुत बड़ा बाजार लगता है, हजारों जानवर होते हैं वहाँ पर, बहुत बड़ी पीठ लगती है और रोजाना लगती है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह कल आप देख सकते हैं कुर्बानी का माहौल है, और यहाँ सड़कें आप देख सकते हैं, उसकी तैयारी अभी से हो रही है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल आपको पूरा बाजार दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप भी देखना और आप भी देख कर पसंद करना हमारे लिए। हमारा जो है माशाल्लाह से अच्छा जानवर लेने का इरादा है कि कम से कम 3 से 3.5 क्विंटल का हो, तो ऐसा हमें कहीं मिला नहीं, तो इस वजह से हम बाजार आए थे। लेकिन इत्तिफाकन और बदकिस्मती हमारी ये रही कि वो बाजार पुलिस वालों ने ख़त्म करा दिया, इस वजह से कि वो परमिशन नहीं ली गई थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उसमें सुनने में आया कि कुछ मसला ऐसा रहता है कि पैसे लोग खा जाते हैं बेचने वालों से, ये कतान ना करें, यह इबादत और कुर्बानी का मसला है, इसमें अगर ऐसा किया जाए तो रिश्वत का मसला हो जाता है। खैर बहरहाल हमें तो मालूम नहीं, लेकिन जो भी हुआ बेहतर अच्छा नहीं हुआ है। इंशाल्लाह कल उम्मीद है कल आएंगे और कुर्बानी का जानवर इंशाल्लाह लेके जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।